सिलेबस सीबीएसई का स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि विद्यार्थी कोचिंगों में नहीं आ सकते और किसी प्रकार से भी वह असमर्थ हैं, तो विद्या में कहीं वह पीछे न रह जाए, शिक्षा में पीछे न रह जाए, इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर कार्य शुरू कर रहा हूँ। तो कक्षा 11वीं के सिलेबस के अनुसार हम लोगों ने इस यूनिट को छह भागों में बांटा है। पहला भाग है सेट एंड फंक्शन। फर्स्ट भाग में सेट और फंक्शन के तीन चैप्टर रहेंगे। चैप्टर नंबर वन में सेट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, चैप्टर नंबर टू में रिलेशन बिटवीन सेट्स पढ़ाए जाएंगे और चैप्टर नंबर थ्री में आपको फंक्शन कैसे तैयार होता है, मैपिंग कैसे तैयार होता है, ये चीज आपको दिखाई जाएगी। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर टू है, जो कि 37 मार्क्स की है, उसमें आपको एलजेब्रा से संबंधित कार्य दिखाया जाएगा, एलजेब्रा से संबंधित कार्य दिखाएंगे, उसमें छह चैप्टरों का ज्ञान है। फिर यूनिट नंबर तीन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो कि चैप्टर नंबर 10 और 11 है, 10 और 11 है। इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि 30 मार्क्स की है वह बताई जाएगी, उसमें आपका चैप्टर नंबर 12 है। इसके बाद आपको कैलकुलस के बारे में अर्थात हिंदी में कलन के बारे में दिखाया जाएगा, जो चैप्टर नंबर 13 है। इसके बाद आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा की जाएगी, जो कि चैप्टर नंबर 14 है। इसके बाद में लास्ट टॉपिक यूनिट नंबर 6 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी में आपको जो है मीन मीडियन तथा प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसमें दो चैप्टर है, दो चैप्टर है, उन्हें आपको दिखाया जाएगा। तो हम लोग जो है प्रत्येक चीज को कैसे तैयार करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। हर चैप्टर समाप्त होने के बाद में उसके ऊपर अपन शॉर्ट टिप्पणी भी करेंगे, ताकि कार्य को हम बड़े अच्छे तरीके से सीख सकें, बहुत ही सरल तरीके से सीख सकें, ऐसा कार्य हो सकेंगे, ताकि जो है हमारा कार्य पूर्ण हो और सभी विद्यार्थी इसे सीख सके और यह आप लोग अन्य को भी इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए कहें और ज्ञान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं ओपी त्रिवेदी।